तो दोस्तों आने वाले 3 से 5 साल के भीतर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पर गुजरात अब एक काफी बड़ा ग्लोबल हब के रूप में उभरता जा रहा है। 2025 तक ये काफी तेजी से काम करेंगे और 2030 तक भी इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके मोटिव काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो ऑलरेडी गुजरात काफी ज्यादा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब इनका टारगेट है ऑन ग्रीन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आने वाले समय में यहाँ पर काफी सारे मेगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं। गुजरात की पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर सपोर्ट से अब यहां पर दावा किया जा रहा है कि 2025 तक गुजरात में ये 38 गीगावाट्स के रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे और फिर 2030 आते आते ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद 61.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और करेंटली बात करें कि अभी तक इन्होंने कितनी सारी कैपेसिटी को इंस्टॉल कर ली है, तो वो है 13.15 गीगावाट की। और इसमें कई तरह के सोर्सेस हैं जैसे कि सोलर, विंड, थर्मल, बायोमास, बगैसे, और अब तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है गुजरात में इन कच्छ। इसकी कैपेसिटी तो 30 गीगावाट्स की है और ये हाइब्रिड होगा, इसमें सोलर विंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इसका खुद फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ले किया था। वैसे साइज के मामले में देखे तो अपने आप में ही आप कह सकते हो एक शहर के बराबर है। लगभग 72,600 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये फैला होगा नियर इंडो पाक बॉर्डर, और ऐसा दावा भी किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को वो 5 ईयर्स में कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब सुनने में तो ये काफी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट लग रहा होगा। सो अगर हम रफली अगर थोड़ा इसमें डिले को ऐड करते हैं, मान लीजिए 7 से 8 साल, तो भी हमारा जो टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना, तो इसमें इसका एक काफी बड़ा रोल होने वाला है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने काफी बड़े अपने एम्बिशियस टारगेट अनाउंस किए हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो अब स्टार्ट भी कर दिया है 5000 एकर्स ऑफ लैंड में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स को तैयार करना इन जामनगर। प्लान के मुताबिक इसमें टोटल 4 गीगा फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, जिसमें एक में सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स होंगे, फिर एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, देन फ्यूल सेल और फाइनली इलेक्ट्रोलाइजर। और इस प्लान के पावर को आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री 60,000 करोड़ रुपीज निवेश करने वाले हैं और 2030 तक अकेली ये कंपनी कम से कम 100 गीगावाट्स की सोलर एनर्जी को जनरेट करना चाहती है। 60,000 करोड़ रुपीज के अलावा ये 15,000 करोड़ रुपीज इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स है, उन सभी को एकदम शुरू से ये लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम बाकी कंपनीज देखें, सोलर मैन्युफैक्चरर्स जैसे गोल्डी सोलर और ऐसी कई तमाम कंपनीज हैं जो कि सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है और इनके प्लांट गुजरात में लोकेटेड है। सो अब यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है और आई थिंक साउथ स्टेट्स के कंपैरिजन में गुजरात अब यहाँ पर एक लीडिंग पोजीशन पर आ चुका है। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में, प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।